पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केसरीनाथ जी त्रिपाठी, त्रिपुरा के राज्यपाल श्रीमान तथागत राय, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, पश्चिम बंगाल के मंत्री श्रीमान हकीम जी, गौड़िया मिशन अध्यक्ष श्रीमद भक्ति सुहृद परिव्राजक गोस्वामी महाराज जी, मायापुर से चैतन्य मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान ज्योति महाराज जी, भजन कुटीर वृंदावन के आचार्य श्रीमद भक्ति गोपनंद बोन महाराज जी, देवानंद गौड़िया मठ के आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत प्रजटक महाराज जी, गौड़िया मिशन के सचिव भक्ति सुंदर संन्यासी महाराज जी, गौड़िया संघ के आचार्य श्रीमद भक्ति प्रसून साधु महाराज, नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित गौड़िया मठ के भक्ति विष्णु विचार विष्णु महाराज जी, सामवेदी गौड़िया मठ विजयवाड़ा के प्रभारी भक्ति विद्वक्ता भागवत महाराज जी और विशाल संख्या में पधारे हुए गौड़िया मठ के सभी अनुयायी भक्तजन, कुछ समय पहले महाराज जी मेरे पास आए थे। उनका आग्रह था कि शताब्दी वर्ष का समारोह है, आप उसमें आइए। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस महान परंपरा के सभी प्रतिनिधियों का एक साथ दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भारत दुनिया के लोगों को एक अचरज रहा है, क्या कारण है इतने घाव और इतने आघातों के बाद भी यह देश आज भी खड़ा है। इस जहां से पता नहीं कौन कौन मिट गए, सारी हम कविताएं पढ़ते रहते हैं, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। काल के प्रहारों के बीच वो ही टिक पाता है जिसके भीतर एक अंतर्भूत आत्मिक शक्ति होती है। इस विशाल भारत की अंतर्भूत आत्मिक शक्ति उसका अध्यात्म है। शायद दुनिया में ऐसी आध्यात्मिक परंपरा कहीं नजर नहीं आएगी जहां पर इस महान विचार को मानने वाले, स्वीकार करने वाले इतनी विविधताओं से भरे हुए हो। यह समाज इतना विशाल है, व्यापक है, गहन है, गहरा है कि जहां मूर्ति पूजा को मानने वाला भी
उसका गौरवगान करता है और मूर्ति पूजा का घोर विरोध करने वाला भी उसकी प्रशंसा करता है। जो साकार को स्वीकार करता है वो भी इस राह पर चलता है, जो निराकार को समर्पित है वो भी उस प्रकार से चलता है, जो परमात्मा की पूजा करता है वो भी ईश्वर शिरोधार्य मानता है, जो प्रकृति की पूजा करता है वो भी ईश्वर शिरोधार्य मानता है। और ऐसी कौन सी ताकत है? वो ताकत पूजा पाठ सिर्फ नहीं है, सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ वाणी नहीं है, वो ताकत हमारी आध्यात्मिक चेतना में है। हम संप्रदायों से बंधे हुए लोग नहीं हैं। समय रहते संप्रदाय आते हैं जाते हैं, पंथ और परंपराएं विकसित होती है, लेकिन हम अध्यात्मता के एक अटूट नाते के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और वही शक्ति है जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरणा देती है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रणेता थे, भक्ति युग के पुरोधा थे। भक्त बनना आसान नहीं होता है, हाथ में बांगला है, मुंह में ईश्वर का जाप है, इतने मात्र से दुनिया की नजर में तो हम भक्त बनते हैं, लेकिन भक्त बनना है तो भक्त वही होता है जो विभक्त नहीं होता है। जहां मुझमें और मुझको बनाने वाले के बीच कोई विभक्त नहीं है, मैं और वो दोनों ही एक रूप है, तब मैं भक्त बनता हूं। और चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था वे कृष्ण में डूबे हुए थे, कृष्ण उसमें समाहित हो चुका था, और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। भारत की विशेषता रही है कि अनेक आक्रांताएं शासकीय व्यवस्थाओं में जय पराजय की घटनाएं घटती रही, अत्याचार जुल्म चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी देश की आध्यात्मिक धारा को खरोच तक नहीं आई। अगर हम भारत के आजादी के आंदोलन को देखें तो आजादी के लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष हमारे सामने आते हैं, उनका बलिदान उनका त्याग तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है। लेकिन इस बात को हम भूल नहीं सकते कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका अगर किसी ने तैयार की थी तो इस भक्ति आंदोलन ने की थी। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे आचार्य शंकर देव हो, चाहे तिरुवल्लुवर हो, चाहे बसवेश्वर हो, अनगिनत ऐसे संत पुरुष, ऐसे भक्ति मार्गी
आध्यात्मिक चेतना से भरे हुए दिव्यांश ऐसे हमारे महात्मा जिन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भारत की उस आध्यात्मिक धारा को सदा सर्वदा चेतनवंत रखा, उसको खरोंच तक नहीं आने दी और उसके स्वाभिमान को टिकाए रखा, उसके सत्व को टिकाए रखा और तभी जाकर के जब आजादी के आंदोलन ने विराट रूप दिया तो ये ताकत उसके साथ एक बहुत बड़ी पीठिका के रूप में काम आ गई। कभी कभी हम लोग यहां वैष्णव आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वैष्णव वजन तो तेनेरे कहिए ये जब गाते हैं या सुनते हैं, हम में से कभी किसी को विचार नहीं आया होगा कि जो वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए मैं गा रहा हूं, जिसको मैं सुनता हूं तो मुझे परिचित लगता है, वो किस भाषा में लिखा गया है, ये सवाल कभी किसी के मन में उठा नहीं है। यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं दावे से कहता हूं, आपके मन में भी वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए ये सुनने के बाद कभी ये सवाल नहीं उठा होगा कि किस भाषा में लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके भाव के साथ हम इतने खुल मिल गए हैं, उसमें हम इतने विलीन हो चुके हैं कि भाषा हमारे लिए कारण नहीं रही है, भाव ही है जो हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और ये वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए उसी कालखंड में लिखा गया जब चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को चलाते थे, गुजरात की धरती पर नरसिंह मेहता अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और उन्होंने गीत लिखा और महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, लेकिन मैंने कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, कभी हक तो नहीं है मुझे। सैकड़ों साल पहले जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने जो बात कही उसको हाथ लगाने का हक तो नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए मुझे सरल रहता था तो मैंने कभी उसका उपयोग करता था। मैं कहता था वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। तो मैंने कहा कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं ये वैष्णव भजन की जगह पे जनप्रतिनिधि शब्द लिख देना चाहिए। जनप्रतिनिधि तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। वाच काच मन निश्चल राखे पर धन नव जाले हाथ रे। यानी 400 साल पहले भी करप्शन की चिंता थी पर धन नव जाले हाथ रे। लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए, वैष्णव की बात नरसिंह मेहता की बात गांधी जी को क्यों इतनी प्यारी लगी होगी तो मुझे उसके एक एक शब्द में यह ताकत नजर आती। और कृष्ण एक ऐसा विराट रूप, न जाने कितना कुछ लिखा गया है, न जाने कितना कुछ कहा गया है, उसमें शास्त्र की भी अनुभूति होती है और शस्त्र का भी एहसास होता है। कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसके हर रूप को भक्त पसंद करते हो और हर रूप की अलग भक्त धारा हो। कुछ लोग हैं जिनको मक्खन चोरी करने वाला ही कन्हैया प्यारा लगता है, तो कुछ लोग हैं जिनको सुदर्शन धारी से बीचे
कृष्ण अच्छा नहीं लगता है, उनको तो सुदर्शन चक्रधारी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो बांसुरी बजाने वाला राधा के साथ, गोपियों के साथ रास करने वाला कृष्ण पसंद आता है। कितनी विविधता है, कितने स्वरूप, और हर किसी को मानने वाला एक तबका, एक जीवन कैसी प्रेरणा दे सकता है उसका हम अंदाज कर सकते हैं। और जिस गीता की रचना हुई, शायद विश्व में ऐसी कोई रचना नहीं है जो युद्ध भूमि में रची गई हो। यानी निर्लेप जीवन क्या होता है, अपने पास पड़ोस में क्या चल रहा है उससे भी परे एक व्यक्तित्व की ऊंचाई क्या होती है कि जहां युद्ध होता हो, अपने मरते हो, अपनों को मरते देखते हो, और उस समय एक शास्त्र का सर्जन होता हो, ये कौन सी ताकत होगी कि जो युद्ध भूमि में पैदा हुई होगी। और इसलिए, और युद्ध के समय भी जहां जय और पराजय का संघर्ष के बावजूद भी अलिप्तता की चर्चा जिस संदेश में कही गई हो, गीता का संदेश वो ताकत को देता है। और उस अर्थ में गौड़िया मिशन के द्वारा वैष्णव परंपरा को जीवित रखते हुए, और आखिर ये परंपरा जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे, दरिद्र नारायण की सेवा, सेवा परमो धर्म, यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य रहा होना चाहिए। जो औरों के लिए जीना जानता है, जो औरों के लिए अपने आप को आहूत करना जानता है, जो औरों के लिए अपने आप को खपाना जानता है, और हमारे देश के महान महापुरुषों की सारी माला देख लें, उस माला में यही तो संदेश है। हम कभी कभी एक चिंतन सुनते हैं दुनिया में, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, यह देश उससे एक कदम आगे है। ये कहता है जियो और जीने दो, और अगर उसकी जीने की क्षमता नहीं है तो उसको जीने के लिए मदद करो। गुजराती में बहुत अच्छा शब्द है, जीवो ने जीवाड़ो, एंड औरों को जीने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें, सिर्फ उसको उसके नसीब पर ना छोड़े। इस महान विचार और चिंतन को लेकर के हम निकले हुए लोग हैं, और वैष्णव एक प्रकार से विश्व को अपने आप में समाने की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये मंत्र उसी बात का परिचायक है कि जिसमें पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाने की चर्चा होती है। ऐसी इस महान परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। दुनिया में समय रहते व्यक्ति में जैसे दोष आते हैं, व्यवस्था में जैसे दोष आते हैं, वैसे समाज में भी दोष आते हैं। बहुत सी पुरानी बातें समाज के लिए कालबाह्य होती है, और कभी कभी उसको लेकर के चलना समाज के लिए बोझ बन जाता है, समाज के लिए संकट बन जाता है। लेकिन बहुत कम समाज ऐसे होते हैं कि जहां अपने अंदर आ रही बीमारियों को पहचान पाए, अपने अंदर आ रही बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करें
और समाज में भी वो ऊंचाई देखिए कि समाज के भीतर घुसी हुई बुराइयों के खिलाफ लड़ने वालों को समाज आध्यात्मिक रूप में स्वीकार करता हो, उनकी पूजा करता हो। भारत में हर सदी में आपने देखा होगा कि समाज की कोई न कोई बुराई के खिलाफ हिंदू समाज में से ही कोई सुधारक पैदा हुआ, उसने उस समाज को रोका, टोका, बुराइयों से बचने के लिए, निकलने के लिए कहा और प्रारंभ में उसको सहना पड़ा। यही तो बंगाल की धरती है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई लड़े थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज की बुराइयों के प्रति कितनी जागरूकता लाए थे। ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है कि हर कालखंड में जब जब समाज में विकृतियां आई, समाज में दोष आए, बुराइयां आई, कोई न कोई महापुरुष निकला, इसी समाज में से निकला और उसने समाज को कोसा, डांटा, सुधारने का प्रयास किया और समाज ने उसको महात्मा के रूप में स्वीकार किया, महापुरुष के रूप में स्वीकार किया। दोनों तरफ ताकत नजर आती है। जो समाज सुधार को स्वीकार नहीं करता है, जो समाज काल बाह्य बोझ से मुक्ति पाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, उस समाज कभी टिक नहीं सकता, जी नहीं सकता, न कभी प्राणवान अवस्था में रह सकता है। एक मुर्दे की तरह वो जिंदगी समय बिताता है। हमारे समाज में हर कालखंड में, हर भूभाग में बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले चैतन्य पुरुष मिले हैं हमें, और यही तो हमारी ताकत है। इसी ने तो इस समाज को चेतनवंत रखा है और इसलिए गोड़िया संगठन, गोड़िया मिशन को शताब्दी का पर्व, एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी है, समाज में भक्ति चेतना जगाने के आंदोलन की शताब्दी है, समाज में सेवा परमो धर्म को साकार करने का संस्कार अविरत चलाए रखने का, प्रज्वलित रखने का उस महान कार्य की शताब्दी है। ऐसी महान व्यवस्था को, महान परंपरा को, इन सभी संतों महंतों की जिंदगी को, जिसके कारण ये सतत परंपरा चली है, मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का पुण्य स्मरण करता हूँ। इस महान परंपरा के सभी योगी पुरुषों का मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।